रहे विद्याधर चौधरी का यह विरोध हो रहा है, स्थानीय उम्मीदवार पर भरोसा जताने की मांग कर रहे हैं। तो यानी कि कार्यकर्ता दिल्ली तक पहुंच गए हैं टिकट वितरण को लेकर, स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। जोधपुर हाउस के बाहर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ये फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन ये राजधानी में जयपुर में नहीं है, ना ही ये राजस्थान में प्रदर्शन है, बल्कि यहाँ पर टिकट दिए जाने से नाराज होकर ये लोग दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली में भी अच्छी खासी तादाद में पहुंचे हैं। बाहर तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे और इनका कहना है भारी भगाओ फुलेरा बचाओ, यानी कि जो कैंडिडेट पैराशूट लैंडिंग वहां पर की गई है, बाहर से आए कैंडिडेट के खिलाफ ये लोग एकजुट हुए हैं। विद्याधर चौधरी को यहां से टिकट दी गई है, ये लोग चाहते हैं कि बाहरी किसी व्यक्ति को टिकट यहां से ना दिया जाए। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता है सारे जोधपुर हाउस पहुंचे। राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें, फुलेरा में दी गई टिकट से सीधा ये लोग दिल्ली पहुंच गए। लखवीर हमारे साथ जुड़ गए। लखवीर, ये राजस्थान की एक विधानसभा सीट का प्रदर्शन और विरोध जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया, क्या अपडेट? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की आज महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम इसके कार्यकर्ता है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ जो दावेदार हैं वो अपनी टिकट सुनिश्चित करवाने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ समर्थक विरोध प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। फुलेरा विधानसभा सीट से विद्याधर चौधरी की टिकट काटे जाने के लिए बड़ी तादाद में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हैं फुलेरा से, जो कि मांग कर रहे हैं कि विद्याधर चौधरी और उनके परिवार की टिकट काटी जाए, क्योंकि 20 साल से इनके परिवार पर कांग्रेस पार्टी विश्वास जता रही है, फुलेरा में हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ तौर पर कहना है कि करीब एक दर्जन दावेदार हैं हम, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, लेकिन स्थानीय हो, जिताऊ हो और टिकाऊ हो, ये मापदंड होना चाहिए। साफ तौर पर राहुल गांधी को आधार बनाते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कहना है कि जिताऊ व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो बार बार हारने वाले व्यक्ति पर दाव क्यों खेला जा रहा है। ऐसे में जब अगर फिर से एक बार अगर विद्याधर चौधरी को या उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा तो हार का सामना देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, ये चेता भी रहे हैं। तो एक सहमति पत्र भी ये तमाम लोग लेकर पहुंचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और तमाम सीनियर लीडर्स को सौंपना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर इस परिवार को फिर एक बार टिकट दिया जाता है तो हार का मुंह देखना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को फुलेरा विधानसभा में, क्योंकि 20 साल से लगातार वनवास काट रही है कांग्रेस पार्टी, ये साफ तौर पर इनका कहना है। हालांकि देखने वाली बात होगी। जी जी लखवीर जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।